अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो के अंदर जिस ट्यूलिप शलवार की कटिंग के मेथड को मैंने आप सबके साथ शेयर किया था, आज उसी शलवार की स्टिचिंग के मेथड को मैं इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी। वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, सारे स्टेप्स को अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा तो आप भी बहुत परफेक्ट तरीके से इस तरीके से शलवार तैयार कर सकते हैं। तो चलते हैं और इसकी स्टिचिंग के मेथड को चेक करते हैं। ये आप देख सकते हैं कटिंग करके मैंने आप सबके सामने लास्ट वीडियो में रखी थी। तो चलते हैं और इसकी स्टिचिंग देखते हैं। सबसे पहले मैं इसकी बेल्ट तैयार करूंगी। ये आप देख सकते हैं बेल्ट तैयार करने के लिए दोनों साइड से मैं इस पर सिलाई दूंगी आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए और ऊपर से नेफे की फोल्डिंग करूँगी तो बेल्ट हमारी तैयार हो जाएगी। ये बेल्ट मैंने बहुत दफ़ा आपको वीडियो में पिछली वीडियोज़ जो मैंने बनाई हैं शलवार की कटिंग और स्टिचिंग में उसमें भी सिखाया है जी। तो बेल्ट तैयार करने के बाद हम सबसे पहले जो शलवार की स्टिचिंग होगी इसमें ज़्यादा सिलाइयाँ नहीं लगती हैं, दरमियान वाली सिलाई नहीं लगती। तो जो इसकी सिलाई लगनी है वो सबसे पहले आसन की लगनी है। ट्यूलिप शलवार बनाने के लिए जो सबसे पहले हमने सिलाई देनी है वो आसन की देनी है, नीचे वाले हिस्से से गुलाई में। इसी तरीके से गुलाई में हम इस पर सिलाई देंगे। तो ये दोनों स्टिचेस करते हैं हम अपनी स्टिचिंग मशीन के ऊपर। ये आप देख सकते हैं मैं एक इंच का आधा इंच का आप अपनी मर्जी आप कितना अंदर मार्जिन छोड़ना चाहते हैं, जितना आपने इस पर हक रखा है सिलाई का वो छोड़ते हुए मैंने बेल्ट की साइड वाली सिलाइयाँ दी हैं और अब ऊपर से नेफे की फोल्डिंग करूँगी और बिल्कुल किनारे पे सिलाई देकर इसका नेफा तैयार कर लूँगी। सिलाई जहाँ से आप स्टार्ट करें और जहाँ पर आप ख़त्म करें वहाँ पर सिलाई को डबल ज़रूर किया करें, इस तरीके से जो हमारी सिलाइयाँ हैं वो निकलती नहीं हैं, ख़राब नहीं होती धुलने से भी। ये आप देख सकते हैं एंड पे मैंने थोड़ा सा तकरीबन एक इंच का फासला छोड़ देना है इलास्टिक डालने के लिए और बाकी मैं सिलाई को कवर कर दूंगी, डबल सिलाई देकर पक्का कर दूंगी। इसके बाद राउंड शेप में जो आसन की सिलाई मैंने आपको बताई है वो हम लगाएंगे। दोनों पीसीस को आपस में बराबर रखते हुए हम इसकी सिलाई देंगे इस तरीके से घुमाते हुए कपड़े को और सिलाई को शुरू रन से डबल ज़रूर करना है जी। बेल्ट तो हमारी तैयार है, उसको हम साइड पे रख देंगे और नीचे वाले पार्ट को तैयार करेंगे। राउंड शेप में जहाँ मैंने सिलाई दी है वहाँ पे मैं छोटे छोटे कट्स दे दूँगी। आप सब जानते हैं कि जहाँ पे भी कोई राउंड शेप आए इस तरीके से तो हम कट ज़रूर देते हैं ताकि जब हम इसको सीधा करें तो कहीं से कोई चूंट कोई झोल ना पड़े। तो आप भी इस तरीके से छोटे छोटे कट दें और ये कट देते वक्त इस बात का आपने ख्याल रखना है कि सिलाई नहीं कटनी चाहिए, सिलाई नहीं कटनी चाहिए, बल्कि राउंड शेप में हल्के हल्के छोटे छोटे कट्स दे देने हैं क्योंकि जब हम इसको सीधा करेंगे तो इसमें कोई झोल नहीं आएगा, कहीं से जो हमारी शलवार है वो तंग नहीं होगी। मैं आपको सीधा करके दिखाऊं तो आपको इस तरीके से अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये देखें राउंड शेप कितने परफेक्ट तरीके से बनी है, हमारी आसन बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गई है। अब फ्रंट पार्ट को और बैक पार्ट को हम एक दूसरे के साथ मैच करेंगे, दोनों की जो आसन की सिलाई है उनको मिलाएंगे। फ्रंट पार्ट जो है वो थोड़ा छोटा होता है, बैक पार्ट थोड़ा बड़ा होता है क्योंकि उसकी फोल्डिंग होनी होती है फ्रंट साइड के ऊपर। इस तरीके से हम फोल्डिंग करेंगे, ये देखें तो कितनी परफेक्ट तरीके से हमारे नीचे वाले पार्ट की शेप आ जाएगी जी। तो अब इसके पाइंचे से हमने लैस लगाना शुरू करना है। मैं इसमें लैस लगा रही हूँ, ये जो क्रोशिया लैस होती है मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है। तो पाइंचे से हमने इसको लगाना शुरू करना है जो शलवार की सीधी वाली साइड है, सीधी वाली साइड के ऊपर रखते हुए लैस की सीधी वाली साइड को हमने शुरू करना है। इस तरीके से हम शुरू करेंगे और ऊपर वाली साइड की तरफ आएँगे, शलवार की सीधी वाली साइड के ऊपर रखते हुए लैस की सीधी साइड को, लैस का रुख शलवार के अंदर की रुख की तरफ होना है। करीब से एक दफ़ा आप फिर देख लें कि पाइंचे से हमने शुरू करना है और लैस की सीधी वाली साइड को शलवार की सीधी वाली साइड के ऊपर रखना है और इस तरीके से लैस को हमने लगाना है कि जब हम इसको टर्न करें तो जो लैस की सीधी वाली साइड है वो खुद ब खुद ऊपर वाली साइड की तरफ आ जाएगी। पाइंचे से हम लगाना शुरू करेंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने मार्किंग कर ली है कि पाइंचे को मैंने कितना खुला रखना है नीचे से, इस तरीके से। अब लैस का आप रुख भी देख सकते हैं कि शलवार के अंदर वाली साइड की तरफ रुख है और शलवार की सीधी वाली साइड पे मैं ये लगा रही हूँ इसको रख के। लैस की सीधी वाली साइड कपड़े की सीधी साइड पे है और इस तरीके से हमने घुमाते जाना है राउंड शेप में और लैस को अटैच करते जाना है नीचे से ऊपर तक। हम इस तरीके से लैस को लगा लेंगे, ये उस पल्ले पर लग रही है जिस पल्ले की हमने फोल्डिंग करनी है, मतलब के जो पीछे से ऊपर की तरफ जो पल्ला फोल्ड होना है, जो पीस फोल्ड होना है उस वाले पीस के ऊपर हमने लैस को लगाना है ताकि जब हम इसको सीधे वाले साइड के ऊपर रखें तो इसके ऊपर हमारी सिलाई आ सके।
ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से हमने हाथ की मदद से सेट करते जाना है और सिलाई दे देंगे। सिलाई देना हमने ऊपर वाली साइड से शुरू करना है। ये देख सकते हैं लेस को जब हम टर्न करेंगे तो ये कितने फिनिशिंग तरीके से हमारे पास आ जाएगी इसकी फाइनल लुक। सीधी जो इसकी सीधी वाली साइड है वो बहुत नीटनेस के साथ तैयार होगी। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से हम लेस की फोल्डिंग करेंगे अंदर वाली साइड की तरफ और कपड़ा भी फोल्ड हो जाएगा। और दूसरे वाले पीस के ऊपर रखेंगे शलवार की जो फ्रंट साइड है उसके ऊपर, ये बैक साइड से जो पीस आया है इसको हम रखेंगे और सिलाई दे देंगे ऊपर से नीचे तक। तकरीबन आधे इंच का नीचे से पीस छोड़ना है और उसके ऊपर रखते हुए हमें सिलाई देनी है आधे इंच के फासले पर। इस तरीके से सिलाई देते जाना है ऊपर से नीचे तक और अच्छे से नोक बना देनी है एंड पे, जहाँ पे हमारा पाइंचा बनेगा। जितना आप खुला रखना चाहें आप रख सकते हैं। मैंने तकरीबन जो इसका नीचे से जो खुला रखा है पाइंचा, ट्यूलिप शलवार का ज़्यादा खुला नहीं होता, मैंने 4.5 इंच रखी है इसकी मोहरी नीचे से। इस तरीके से हाथ की मदद से हम कपड़े को अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, नीटनेस के साथ इसका पाइंचा तैयार करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। जी तो मैंने इसकी सारी सिलाई दे दी है दरमियान वाली। अब हम इसकी जो बेल्ट है उसके साथ इसको अटैच करना है, लेकिन उससे पहले हम इसको बेल्ट के साइज़ जितना बना लेंगे। ऊपर से हमने 2-2 इंच के प्लेट्स देने हैं, फ्रंट साइड पर भी 2 प्लेट और बैक साइड पर भी 2 प्लेट। आसन के करीब हमने 2-2 इंच के इस तरीके से प्लेट देने हैं। दोनों का रुख अंदर वाली साइड की तरफ होना चाहिए, फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से भी। जो प्लेट्स का रुख है वो अंदर वाली साइड की तरफ होना चाहिए। इस तरीके से जो हमारी इसकी चौड़ाई है वो बेल्ट की चौड़ाई जितनी हो जाएगी। थोड़ी सी ज़्यादा थी इसलिए मैंने इसके प्लेट्स डाले हैं। ये प्लेट्स डालने का फ़ायदा ये भी होता है कि हमारी शलवार तंग नहीं होगी, कहीं से कोई खिंचाव नहीं आएगा। बैक साइड पर भी इसी तरीके से मैंने प्लेट्स डाल लिए हैं। अब इसको मैं बेल्ट के साथ अटैच कर रही हूँ। नीचे बेल्ट का पीस रखा है और ऊपर जो पाइंचे से शलवार तक का ऊपर तक का पीस था वो रखा है शलवार का। जी तो हमारी बेल्ट भी अटैच हो चुकी है। अब हम इसमें इलास्टिक अटैच कर लेंगे तो हमारी शलवार तैयार हो जाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमारी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।